हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्ट्रैड योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 25th एंड 26th अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो यूके में इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ऋषि सनक, रुपेश हिरानी, शमी चक्रवर्ती, सीमा मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऋषि सनक। ऋषि सनक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। तो ऋषि सनक यूके में इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 12 टॉप चेस प्लेइंग नेशंस फॉर मैंस 2022 वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप। तो मैंस 2022 वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप के लिए 12 टॉप चेस प्लेइंग नेशन में किस कंट्री को इंक्लूड किया गया है? रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 12 टॉप चेस प्लेइंग नेशंस फॉर मैंस 2022 वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप इन जेरूसलम इज़राइल इन नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 में इज़राइल के जेरूसलम में मैंस 2022 वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप के लिए 12 टॉप चेस प्लेइंग नेशन में इंडिया को इंक्लूड किया गया है। दी अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर चाइना, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन, द नैदरलैंड्स एमंग अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली एडेड बाई FATF टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज। तो FATF ने रिसेंटली किस कंट्री को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में ऐड किया है? DR कोंगो, फ्रांस, म्यांमार, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है म्यांमार। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ एडेड म्यांमार टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज नाउन एज ब्लैक लिस्ट। तो FATF ने म्यांमार को हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में ऐड किया है, जिसे हम ब्लैक लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन रेसलर कौन बन गए हैं? साजन वनवाला, अमन सेरावत, नितेश विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमन सेरावत। अमन सेरावत बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन स्पेन। तो अमन सेरावत ने स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन रेसलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरोज हैवीएस्ट रॉकेट LVM3 M2 हैज़ प्लेस्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स। तो इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट LVM लॉन्च व्हीकल मार्क ने ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट को प्लेस किया है? 35, 36, 31, 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 36। इसरोज हैवीएस्ट रॉकेट LVM M3 M2 हैज़ प्लेस्ड 33 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। तो इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट LVM लॉन्च व्हीकल मार्क ने ऑर्बिट में 36 सैटेलाइट्स को प्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू USA एम्बेसडर टू इंडिया। तो इंडिया में USA के एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? एलिजाबेथ जॉन्स, अतुल कश्यप, पैट्रिका ए लसीना, किन्नत जस्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एलिजाबेथ जॉन्स। एलिजाबेथ जॉन्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू USA एम्बेसडर टू इंडिया। तो एलिजाबेथ जॉन्स को इंडिया में USA एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में
विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर में यूनाइटेड स्टेट फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, ल्यूस हैमिल्टन, जॉर्ज रसल, सर्गियो पेरेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन हैज़ वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इन अक्टूबर 2022। तो मैक्स वर्स्टैपन ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में इंडिया का क्या रैंक है? 41st, 42nd, 44th, 46th। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 41st। इंडिया रैंक 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक 41 है आउट ऑफ 44 कंट्रीज। ये था 2022 में, और 2021 में इंडिया का रैंक था 40 आउट ऑफ 43 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। तो यूनाइटेड नेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 24th अक्टूबर, 25th अक्टूबर, 26th अक्टूबर, 27th अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24th अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अक्टूबर। तो यूनाइटेड नेशन डे 24th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। The United Nations is an international organization founded in 1945. तो United Nations क्या है? International organization है जिसे found किया गया था 1945 में। The year 2022 marks the 77th anniversary of the United Nations. यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA, मिस्टर एंटोनियो गुटरस इन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 24th अक्टूबर, 25th अक्टूबर, 26th अक्टूबर, 27th अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24th अक्टूबर। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर ऑन 24th अक्टूबर। तो वर्ल्ड पोलियो डे एवरी ईयर 24th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे 2022 थीम ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। मिलता है विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा।